This is the art and this is the artist. So guys, हमारी ना तैयारियां शुरू हो चुकी हैं नवरात्रि की. इस बार हम बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं. तो ये हमने आरती की थाली बनाई है जिसमें घंटियां लगाई हैं. ये हमारी तिलक की थाली है और ये पोशाक और इसमें सारे वस्त्र वगैरह श्रृंगार रखा जाएगा माता रानी का. और इसमें फ्रूट्स रखे जाएंगे. और ये हमारा कलश बना है जिसमें अभी डेकोरेशन अभी हमने यहाँ पे डेकोरेशन करनी है, जिसके लिए हमने अशोक के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे ये माला बनाई है. तो जो आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा. और यहाँ बन रहा है चूल्हे पे खाना, जिसमें है ये बन रही है लौकी की बर्फी, ये हलवा और ये खोया है और लड्डू बन चुके हैं. और हमारी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है और हमारी मौसी साथ में काम करवा रही हैं. तो गाइज़ हम लोग जल्दी मिलेंगे आपसे, क्योंकि ये हमें पूरा डेकोरेशन करनी है पूरी अच्छे से. और यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, अभी ये हम यहाँ धोएंगे रात को ही, सारा धो के और सब कुछ तैयार करके ही आगे का काम शुरू करेंगे, ताकि कल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, सुबह सुबह जल्दी से पूजा हो जाए. ये हमने यहाँ कारपेट मंगा लिए हैं, तो जल्दी से इनका भी काम करते, पहले धोएंगे फिर कारपेट बिछाएंगे. और यहाँ पे हम स्टेज बनाएंगे, जो कि आपको मेरे अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगी, इसी ब्लॉग में मतलब आगे देखने को मिलेगा. सो गाइस चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ. आज है पहला दिन नवरात्रि का, तो सबसे पहले सबको हैप्पी नवरात्रि. और माता रानी आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन सब कुछ दे, और आप सब खुश रहें. और आज का मेरा पूरा ब्लॉग नवरात्रि के आज पहला दिन है तो उसके ऊपर रहेगा. और मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसी डेकोरेशन हुई है और कैसे माता का पूजन होता है, कैसे उनका आह्वान होता है, उनको कैसे बुलाते हैं, सब चीज़ दिखाएंगे. और मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहना. तेरी
अवतारूं तेरी गौरा माँ के लाल। बोलो आर। तो सब के देखो सकुरा कटोरी सब लगे भाई, पात्र लगे भाई, उन पूर्ण पात्र को ध्यान करो। ओम श्रीफल लगे भाई। श्रीफल क्यों कहा जाता, लक्ष्मी के श्रीफल है, नारियल श्रीफल होना है ना, उनको ध्यान करते हुए उनको ध्यान करो। ओम कलश पर नारियल रखने कोई विधान है, गोला ना रखने चाहिए, गोला पर जब सूखा कलश हो गया ना, सूखा कलश केवल जो हम केवल परिवार, हम जिस प्रकार मैं यहाँ बैठकर अपने परिवार के साथ पूजा कर रहा हूँ, और जैसे सभी देवता मैंने अपने परिवार से बुलाए, उसी प्रकार से भगवान वरुण भगवान अकेले नहीं, किसके साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान हो। अस दीर्घमायु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभ स्वस्ति न पूगा विश्ववेदा स्वस्ति न सारिश्च देवी स्वस्ति नो बृहस्पति। पालन करो यहाँ पर व्रत कैसे, शरीर की सुविधा को सुलभता को देखते हुए हम अगर एक समय भोजन की व्यवस्था हो तो एक समय भोजन करना चाहिए, दिन में भलार करना चाहिए, भूमि पर सहन करना चाहिए, भूमि पर ना कर सको तो काष्ठपीठ पर, काष्ठपीठ यानी कि तखत पर, है ना, बुनी हुई चार बुने हुए सैया पर, बुनी जो सैया बुनी जाती है हाथ से उस पर सहन नहीं करना, जैसे कि चारपाई उल्टी सब हाथ से बने जी, तो इन पर सहन ना करना, कहाँ पर करना, काष्ठपीठ यानी लकड़ी के बने हुए तखत आदि पलंग पर फुलटे पर, तो बेड लगभग सब लकड़ी के बने। और क्या कह रहे हैं, व्रत जप और जो जितना तुम्हारा गुरु मंत्र है जा मंत्र को तुम जप कर सको उतना आपको यहाँ जप करना, ब्राह्मण भी करेंगे और यजमान भी करेंगे, नियम से रहना महाराज, तप करना है, तप का है नियम, एक तपस्या को आचरण करना, ना ब्राह्मण है ना यजमान है, जितना आप सबको है सके। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब यह है कुछ धार्मिक पुस्तकों का आप पाठन पठन पाठन करें, नौ दिन है आपको नवचंडी यज्ञ चल रहा है, तो जितना आपको समय मिले तुम यहाँ बैठकर जो भी सुंदरकांड हनुमान चले जो भी आपकी धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें पाठन करें, ब्राह्मण भी करेंगे आप भी करें। क्रतु क्रतु समदया और समय समता को भाव रखना, जिना कोई ऊंचा नीचा है, नौ दिन तक आपके भक्त भक्त जो होता है भक्त मानी इच्छा करें अहंकार करने वाले सेवक उनके भी भक्त भक्त यानी कि नौकरानी भी आपको समता का भाव रखना है। भगवती कात्यायनी प्रियता माहेश्वरी महाभगवती माहेश्वरी प्रियता भगवती प्रियता ओम भगवती टी शर्ट ले गए एक बांस ले लो, बांस दिखा दो, देखो एक छपटू का ये लेजर लाइट आवे ग्रीन कलर की, देख और छपटी से खा रहे हैं बन जाएंगे तो पे रखो रखो। अच्छा चलेंगे हम पिताजी दादाजी और परदादा जी,
तीन पीढ़ी की पूजा हो गई। इधर जो नीचे की जो छह रखे हुए हैं ये ननसार को हो गए, ननिहाल पक्ष को, जो वंशज जो होता है वो दो पीढ़ियों को दो पीढ़ी तक की पूजा कर सके। तो आपके ननसार को गोत्र होगा है ना, तो वो भी आपको स्मरण होगा तो ठीक है ना, तो पंद्रह का तो पूछ लो ननसार को, किनको अभी ननसार को मामा वगैरह होगा तो मालूम का हां गोत्र तो ना मालूम हूं तो वो इतनी पूरी भेद है छह रखे नाम है जी, जोड़ा सहित है सपत्नीक नाना नानी पर नाना पर नानी सकल नाना सकल नानी तीन पीढ़ी तीन पीढ़ी। ये कौन ही बजरा विराजमान रखे हैं जी, ये हमारे घर के कोई ऐसे व्यक्ति जो हमारी जानकारी में ना हो, हमारी जानकारी अलग हो, भूले विषय अलग हो, अवस्थित हो, अज्ञात अवस्था में कोई ऐसी कारण कोई व्यक्ति है जाता है, उसी हमें पता ही ना है कौन से हमारे घर के देवता जो जानकारी के परे हों और अज्ञात हों, ऐसे लोगों का स्थान यहाँ पर देखो उनकी पूजा करी जावे। बाल्टी पानी लेके आ जाओ, पैर धुलाते पहले पैर धोता बनते घर में, ऐसे भी पहले हमारे रिवाज तो, पर हम लोग इतने आधुनिक होते जा रहे हैं बाबू जी, हम अपनी प्रथा भूलते जा रहे हैं। पहले घर अबू आज भी है घर की कोई बहन बेटी आवे का लेके अर्घ दे देते बुआ आई है या कह रहे कोरो कोई सामने तो जल डाल दे, तो जी विधान है तो देवता हमारे आ चुके हैं, हमने उनको आसन दे पैर धुला उनके, अब कहा है अब बैठेंगे कहा बैठने के लिए आसन के लिए उनको प्रदान कर रहे हैं आसन के अम्मा बाबा को, एक सीढ़ी बन के नौ करके दो उन दोनों की पीढ़ी के उन दोनों की पीढ़ी के ऐसा पूरा फ्रेम बन रहा जी सही बात। और उनके जो सबसे बड़े हथना है जो हिंदू परंपरा चालू करी है उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटो जिनके धन अर्जित को करेगा हम करेंगे, और वह धन अर्जित करने के बाद उस धन से हमने दान नहीं किया, पितरों के निमित्त हमने कोई कार्य नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति की कुछ आगे चल के क्या होती है महाराज, बच्चे जो संतान होते हैं उसमें विकृति आ जाती है, पितृ दोष लगता है, कुल की वृद्धि में भी दोष आता है, ये सत्यता है। पितरों जो पितृण वही तो है, पिता के द्वारा दिया हुआ जो तुम्हारे वैभव उसका आपने उसमें दान पुण्य नहीं किया, पितरों के निमित्त आपने कोई कार्य नहीं किया, तो उसका आपको वहाँ दोष निश्चित ही लगेगा। तो क्या करने हमारे घर में बहु देने वाले बने, अन्नम चुनो बहु देयम चलो लगे मही, और हम हमारे घर अन्न के भंडार भरे रहे हैं, बहु देयम अधितम च लभे मही, और हमारे घर में अतिथि आती रहे महाराज, या चरचा समझता, और हमारे घर याचक मांगने वाले हमें, और हम कैसे बने बहुत देने वाले बने, हम किसी के आगे हाथ जो हाथ फैलाने ना जाए, ऐसे उनसे प्रार्थना कर ले महाराज, एता सत्याशी संतु ऐसा हमको सत्याशीष प्रदान प्रदान करें, सत्याशी संतु सत्या आशीष संतु।
तारीफ मेरी। अरे ये यहाँ माता की भक्ति चल रही है, ये नहीं चलेगा यहाँ। चलिए बताइए डेकोरेशन के बारे में कुछ, बताइए आज के दिन के बारे में कुछ बताइए। चलिए बताइए बताइए, गोली मारो पहले, पागल है क्या? चल मैं सो कर आ रहा था, हाँ। नीचे से ऊपर चढ़ रहा था, हाँ। एकदम से मैंने देखा, हाँ। फट गई ये क्या है? रात में हम लोग यही इमेजिन कर रहे थे, जिसने नहीं देखा है, क्योंकि हमने ये रात के 2 बजे बनाया कसम से। तो जो सुबह उठ के आएगा पहला रिएक्शन यही था मेरा, गेट खोलते ही डर जाएगा ये क्या है। बहुत ही प्यारी। और आज आज क्या है? नवरात्रि एंड हिंदू नव वर्ष आज से स्टार्ट हुआ है 22 मार्च से। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं बंदूक के साथ के साथ। पागल है क्या, इतना खाएगी तू? सब लोग व्रत है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू इतना खाएगी। क्यों पागल हो क्या, इतना खाओगी? शर्म नहीं आ रही? तो तुम बांटो तो मैं तुम। क्या हो गया ये? ये क्या हो गया? ये क्या है? किसने किया? हो गया। पर्दा लगाने से मना कर रहा है जी। लगेगी ना, पुल पर रख दी है तुमने। क्या कर रहे हो गाइस? जाओ वाला आनंद की जय हो, कोटी बार मैया की जय हो, चावड़ेरे वाली मैया की जय हो, भवानी की जय हो, विष्णु देवी की जय हो, जय श्री राधे पार्वती पते नमः हर महादेव।